तिमिट के सभागार में नेतृत्व कौशल विकास पर दो दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन प्रोफेसर रघुवीर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि वो व्यक्ति जो एक लीडर बनना चाहता है उसमें आत्मविश्वास, अच्छा संस्कार, धैर्य, ईमानदारी, प्रतिबद्धता, लचीलापन, जिम्मेदारी संभालने की क्षमता, जवाबदेही, प्रेरणा, प्रतिनिधित्व आदि जैसे कई गुण होने चाहिए। एक लीडर का काम लोगों को सही राह दिखाना होता है। नेतृत्व निर्देशन का एक पहलू है, सभी प्रबंधकों के पास नेतृत्व की गुणवत्ता होनी चाहिए, लेकिन नेतृत्व एक प्रबंधक के बिना मौजूद हो सकता है। उद्यम के संचालन का मार्गदर्शन करने के लिए प्रबंधक व्यापक नीतियां बनाते हैं और नेतृत्व उद्यम के उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई शुरू करता है। अंत में प्रोफेसर विपिन जैन प्रिंसिपल टिमिट ने अपने लक्ष्य को साफ रखें और वो लोग जो सफलता के पथ पर अग्रसर होते हैं उनका पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पर्श और साफ रखना। अंत में उन्होंने इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रघुवीर सिंह का आभार व्यक्त किया और सभी शिक्षकों से नेतृत्व कौशल के नियमों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित किया। ये जो दो दिन की वर्कशॉप है ये लीडरशिप पे है। मेरा ये मानना है कि हर इंसान इरेस्पेक्टिव उसकी जो लेवल है वो अपने आप में एक लीडर है। प्रॉब्लम यह है कि वो सोचता नहीं कि वो लीडर है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी टाइम पर दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करता है, उसको इम्पैक्ट करता है, उसकी मदद करता है। सो जो भी इंसान अगर इन्फ्लुएंसिंग सिचुएशन में है तो वो अपने आप में एक लीडर है। और स्पेशली जब हम आप बात करते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, हमारी हर फैकल्टी एक्चुअली लीडर है वास्तव में, क्योंकि वो जब क्लासरूम में होता है तो 60 मिनट वो एज ए लीडर काम करता है, उसका इन्फ्लुएंस हमारे स्टूडेंट्स पे बहुत होता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं इस वर्कशॉप के माध्यम से कि हाउ इंडिविजुअल्स मोमेंट टू मोमेंट एवरीडे बेसिस पे जब इंटरेक्ट करते हैं तो किस बातों का ध्यान रखें, कौन से एक्शंस का ध्यान रखें ताकि सुनने वाले पर या उनके स्टूडेंट्स पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाए। ये वर्कशॉप फिर हम धीरे धीरे सीनियर लेवल पर लेके जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज किसी भी संस्था में, चाहे वो बिजनेस हो चाहे एजुकेशन हो, है पीपल को लेके है। बिकॉज आप देखेंगे सब जगह पे पीपल मैनेज पीपल, राइट। टेक्नोलॉजी को कोई भी मैनेज कर लेगा बिकॉज टेक्नोलॉजी पैसिव है, लेकिन इंसान को मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हम ये सिखाने की कोशिश करें कि भाई आप जो है जब इंटरेक्ट करें, अश्योर दैट योर पीपल आर इंगेज्ड थ्रू your behavior, like be mindful, you know, be trustworthy, be selfless, be compassionate. तो दूसरे जो आपके साथी हैं या आपके सबॉर्डिनेट हैं उनके हार्ट को टच करें, हमेशा उनके दिमाग के स्तर पर बात नहीं करें। तो अगर जितना आप उनके हार्ट को टच करेंगे उतना ही वो आपका साथ देंगे। कुल मिलाकर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बेहतर तालमेल हो, और स्टूडेंट का शिक्षक के प्रति गहरा ट्रस्ट हो। अगर वो ट्रस्ट नहीं होगा तो शिक्षक भी अच्छे से इम्प्रूवमेंट नहीं करवा पाएगा अपने स्टूडेंट्स में। उसी प्रकार से शिक्षक को भी इसी प्रकार से डील करना होगा हमारे प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स को। तो ये एक एक अलाइनमेंट है हमारे सीनियर लीडर्स का, हमारे टीचर्स का, हमारे स्टूडेंट्स का, ताकि ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़े। ये इसका